हेलो एवरीवन, आई एम प्रभात रंजन। आज मैं आपके सामने एक फेमस केस स्टडी लेके आया हूँ, जिस केस का टाइटल है करीम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस निजामुद्दीन एंड अनदर। इस केस में जो प्लेंटिफ है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर है, जो कि फेमस है अपने रेस्टोरेंट चेन के लिए, जो कि मुगल कुजीन में डील करते हैं। सबसे पहले इस ब्रांड नेम का इस्तेमाल 1913 में हाजी करीमुद्दीन द्वारा हुआ था। उसके बाद 1987 में उनके हेयर्स ने करीम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक होटल खोला था, जो कि फेमस था मुगल कुजीन के लिए, जिसके बिजनेस ऑपरेशन के लिए इन्होंने एक जगह भी लीज पर ली थी। इसमें जो डिफेंडेंट थे उनके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट भी किया था, जो कि 5 साल के लिए वैलिड था, जिसमें ये भी क्लियरली मैंशन था कि जो ब्रांड नेम है उस पर डिफेंडेंट का कोई राइट नहीं रहेगा, और जैसे ही ये एग्रीमेंट ख़त्म होगा उनका उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा। 2010 में प्लेंटिफ को इस बारे में जब पता चला कि जो डिफेंडेंट है उनके ब्रांड नेम का मिसयूज़ कर रहे हैं, और उनके सेम करीम नाम से मिलता जुलता एक करीम नाम का रेस्टोरेंट उसी जगह पर खोला था जहाँ पर करीम्स जो प्लेंटिफ है उन्होंने अपना रेस्टोरेंट रन किया था। जिसके बाद जब प्लेंटिफ को इस बात का पता चला तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट मूव किया इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क के लिए। वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल बेंच जस्टिस संजीव नरूला जी ने ये प्राइमा फेसिया देखा कि जो दोनों लोगों में था, दोनों लोगों सिमिलर है, दोनों लोगों के जो स्पेस है, टैगलाइन है, फॉन्ट है, वर्ड है, वो एकदम सिमिलर है, जो कि साफ पता चलता था कि एक कंज्यूमर को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। जिसके बाद जब डिफेंडेंट से डिफेंस मांगा गया तो उनके पास कोई डिफेंस नहीं था, ना उनके पास ये जवाब था कि क्यों वो करीम नाम के ओनर है और क्यों प्लेंटिव जो है वो करीम नाम के रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। जिसके बाद जो केस था वो फेवर में करीम के फेवर में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने हैवी कॉस्ट करीम्स पे लगाया और एज वेल एज जो सूट की पूरी कॉस्ट थी वो भी करीम को देने के लिए ऑर्डर किया गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि करीम, क्योंकि करीम्स ने ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करा रखा था, तो इसलिए आज वो इस लीगल फाइट को लड़ पाए, एज वेल एज उनके केस जो है वो फेवर में गया। आज वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर पाए कि हमने ट्रेडमार्क जो था अपना रजिस्टर करा रखा था, इतने टाइम से हम यूज़ कर रहे थे, इतनी हमारी गुडविल थी, इसलिए आज वो केस उनके फेवर में गया। एज वेल एज उन्हें और जो सामने वाली पार्टी है उनको फाइन भी भरना पड़ा, एज वेल एज उसमें हैवी कॉस्ट भी लगी। आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए आज ही अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।